जी कहिए। मेरा नाम रूपलाल है और ये है लिली। आ गए आप ही के लिए जल्दी आके बैठे हैं, वरना हम बाइक पे आते हैं, हमारी बहू रह बैठिए बैठिए। आपका सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ। अरे आपके सारे काम तो मैं ही करता हूँ, आप मुझसे तो काम कराते ना बॉस। ये कौन है निकली, कौन है? मैं इसको नहीं जानता, इसकी शक्ल मैंने आज से पहले नहीं देखी है और इसकी शक्ल देखने लायक है भी नहीं। बस बस बस, थोड़ा इत्मीनान रखो यार, कितना हिल रहे हो। क्या हो गया है आपको बिल्लेश्वर जी? आप हमें पहचानने से मना कर रहे हैं? हम तो आपके खास नौकर है ना। नहीं माँ, ये फ्रॉड है, डालो इसको अंदर, मेरे साथ अंदर डालो इसको। बस नहीं, तुम्हारे साथ अंदर डाले? कितना बड़ा, कितना बड़ा राक्षस इंसान है बताइए। सर इतना ज्यादा फ्लो फ्लो में निकल गया। जय हिंद मैडम। सर जय हिंद। जय हिंद, बैठिए बैठिए। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन है ये लोग? मायसेल्फ रूपलाल, और मैं उसका मुंह बोला जीजा। नो जीत, एक मिनट, ये मुंह बोला जीजा क्या होता है? नहीं, मुंह बोला काका सुने थे, मुंह बोला चाचा सुने थे, मुंह बोला पापा सुने थे, मुंह बोला माई सुने थे। हाँ, ये मुंह बोला जीजा साली क्या होता है? वो क्या है कि इनकी बड़ी बहन ना वो हमारी मंगेतर थी, वो शादी वाले दिन मंडप से ही तो आधे फेरे तो हो गए थे ना, तो इसलिए ये मेरे मुंह बोले जीस और मैं इनकी सेल्स। मतलब आपकी शादी नहीं हुई है? मिले सॉरी मैम। हो गया सबका बकैती, तो मुद्दे पर आते हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, ये हमारे बॉस है, बॉस हमारे। ये क्यों भाई, झूठ झूठ बोल रही है, इनको अंदर डालो, इनको अंदर डालो। झूठ तो ये बोल रहे हैं मैडम सर, हमारे पास पूरा सबूत है। हाँ। कि यही उस कंपनी के मालिक हैं, जिस कंपनी का खाना खा के बेचारे बच्चे बीमार हो गए थे। ये लीजिए, इसमें ना स्लिप भी है और ओनरशिप भी, इस पे देखिए इनका नाम है बिल्लू चंपल। और कोई प्रूफ चाहिए मैडम कि ये बिल्लेश्वर जी ना उस कंपनी के मालिक हैं? फिर भी अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे तो खुले ही हैं। चलते हैं। एक मिनट, ये फाइल देखे जाइए, हमारे तफ्तीश के लिए काम आएगी। ओके दीजिए, कटिए। ठीक है, चल रहे हैं बॉस, ख्याल रखिएगा। चलिए जाइए। होलो बॉस से मारेंगे तुम। बिल्लू, कोई फायदा नहीं है करिश्मा सिंह, ये पेपर सारे ओरिजिनल हैं, एकदम पक्के हैं और पूरी तरीके से लीगल हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हम इन पर नजर रख सकते हैं, इनके हर एक मूवमेंट को हमें चेक करना होगा, और साथ साथ हमें स्कूल भी जाना होगा जहाँ पर बच्चों को ये जहरीली खीर खिलाई गई है, वहाँ ढूंढना होगा कि हमें कोई लीड मिलती है नहीं। ये सब क्या चल रहा है? ये तो नाम ही चेंज होंगे, किसी और के नाम पे हो गया, ये क्या चल रहा है ये सब? चलो। कहाँ चले मैडम? अंदर जाएंगे ना, तफ्तीश करेंगे, जब तक अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा ये सब क्या घोटाला, चलना पड़ेगा ना। सही बोल रही मैडम, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अंदर जाने से पहले ना बैकअप कोर्स मंगा लेते हैं, क्या पता भीतर कितना खतरा हो। खतरा तो कहीं पे भी हो सकता ना महाराज। बिल्कुल मैडम। नहीं मतलब अभी ऑर्डर ना मानने पर अगर हमारा बुद्धि फिर गया, हम टोपा गए और हमने अपना बंदूक निकाल के तुम्हारे अंदर 100 गोलियां दाग दे, फिर क्या करेंगे हम? खतरा तो कहीं पे भी हो सकता है ना। क्या समझाइए, क्या मस्त समझाइए। चलिए चलिए मैडम। अरे बबलू के ट्रस, हमें इंसाफ चाहिए, बिल्लू इंसाफ चोर है, बिल्लू को हमारे हवाले कर दो, बिल्लू को हमारे हवाले, हमें इंसाफ चाहिए, बिल्लू इंसाफ चोर है, हाथ हो जाइए, हमें इंसाफ चाहिए, बिल्लू इंसाफ चोर है। देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस तरह नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, इससे बेहतर है पुलिस को अपना काम करने दीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं इंसाफ भी होगा और असली मुजरिम भी पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बिल्लू चोर है, बिल्लू को हवाला कीजिए, बिल्लू चोर है, नहीं नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, करिश्मा सिंह नहीं है, बिल्लू चोर है, असली नंबर क्या करना है बोलो।
कौनो बात नहीं, हसीना मलिक तो हसीना मलिक है सही, और तुमको जैसा कहा है वैसा करो। ओके। हसीना मलिक तो ये है कि लोहार का फुल एंड फाइनल ए। हसीना मलिक ये मुद्दा जो है वो इतना बड़ा रूप लेगा कि लखनऊ शहर में तोहरा थाना जो है वो भूला पिसरा याद बन के रह जाएगा। मैडम सिर्फ क्या करें, ये लोग किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्लू को बाहर निकालिए, बाहर निकालो बिल्लू को। बिल्लू चोर है, बिल्लू चोर है, बिल्लू को निकालो बाहर। बिल्लू चोर है, बाहर निकालो। ये ताला ठीक है ना? हाँ, मुझे मत निकालो। हे बाप रे, पहली बार बिल्लू निवास में मेरा दम घुट रहा है। बचाओ, हे भगवान बचा लो। अरे कई के पान बनारस, माफ कीजिए सरकार। हाँ जाओ जाओ, माफ कीजिए। रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। जी ये बबलू कौन है? कौन है बबलू? अरे इतना बड़ा बड़ा बोर्ड पे नाम लिखा है ताकि कोई भी अंदर साफ साफ पढ़ सके कौन है बबलू। बबलू सेठ इस कैटरस के मालिक। अरे पर है कौन बबलू? और हम ही तो हैं इस मिड डे मील के नए मालिक। और सुनिए, बाहर निकल के लेफ्ट मारेंगे ना, नुक्कड़ पे चाय की भी दुकान है अपनी। अपनी? वाह यार, बहुत बेहतरीन बात है। इतना पैसा कहाँ से आया नया बिजनेस शुरू करने के लिए? अरे ऐसे ही बस बन गए हम भी मालिक। एक मिनट रुक, ये ऐसे ही हमको ना समझ में नहीं आता है। कैसे ऐसे हम बने, साइन कर दिया और बन गए मालिक। क्या कर रहे हो? मारो इसको, जला दो इसको, हाँ जला दो इसको। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ये बाप रे! वाइस अभी आया। बोल 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 बोल। बाहर बाहर बाहर। क्या बाहर 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 क्या? अबे झापड़ी के तुम्हारे पुतलों को जलाया जा रहा है, वो लोग पागल हो चुके हैं। हाँ? देख रही मैडम, बिलोटा गया तो नया मुर्गा मिला इन लोग को। रुको 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 रुक रुक। अब तुम हमको बताओगे कि क्या डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, क्या है सब कुछ बताओ। क्या कर रही है मैडम? छोड़िए छोड़िए, नहीं छोड़िए। बॉस आप अभी तक यही है, जाइए जाके ना अपने कैबिन में रेस्ट कीजिए। मैं आपके लिए अभी एक गर्मा गर्म चाय भिजवाती हूँ। ओके। अब आपको क्या चाहिए मैडम? कंपनी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट तो आप पहले चेक कर चुकी है ना, बताइए और क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। नहीं, आप कहाँ जा रही है मैडम? आप उस एरिया में नहीं जा सकती। एक्चुअली वो हमारी कंपनी का किचन है ना, तो वहाँ आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। चाय बनाने नहीं जा रहे हैं, तफ्तीश करने जा रहे हैं, हटिए। ओके, तो लाइए सर्च वारंट, फिर आराम से शौक से कीजिए तशरीफ। तफ्तीश व्हाटएवर, पर फिलहाल तो हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। नहीं 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 मैडम, इसमें क्या है ना कि आपका गलती बिल्कुल भी नहीं है। जब इंसान का ग्रह खराब होता है ना तो उड़ता हुआ तीर लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो आपका ग्रह और भी ज्यादा खराब है। आप तो सीधा रोड रोलर के नीचे सर देने की कोशिश कर रही हैं मैडम। हटिए। अरे रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। रुकिए मैम रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? हमने कहा ना आगे नहीं जा सकती। मैडम आप आगे, मैंने बोला ना आगे नहीं जा सकती। मैडम आपने जस्ट अपने काल को इनवाइट कर लिया है। मतलब? अभी पता चलेगा। हमें टच करने से पहले हमारे बारे में दरियाफ्त कर लिया होता ना, तो ये हिमाकत करने का जरूरत नहीं करती तुम।
आज के बाद अगर किसी पुलिस वाले को तुमने टच भी किया ना, तो मैया कसम वो फाल करेंगे तुम्हारा कि जब जब खाकी देखोगी एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा का, समझी? बचाओ, बचाओ, बचाओ! छोड़ी 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 करिश्मा सिंह, अरे कहा कर रही है, छोड़ी छोड़ी। जय हिंद, जय हिंद। कहा कर रही है करिश्मा सिंह आप, हमें बताइए क्या बात है, हमें बताइए। अरे हम आपके सीनियर हैं। सर हम इन्वेस्टिगेशन पे हैं। अच्छा। कल तक जिस कंपनी का बिल्लू जैसा भूतपूर्व चोर मालिक था, और आज एकदम से इस कंपनी के बाहर एक चाय का ठिया है, वो चाय वाला इस कंपनी का मालिक हो गया, फिर से एक साधारण और मामूली इंसान। तो आपको नहीं लग रहा है कि संदेह की बात है, इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, आपको ऐसा ऐसा मतलब लग नहीं रहा? अरे करिश्मा सिंह, एक चाय वाले को हक नहीं है आगे बढ़ने का? क्या उसको हक नहीं है कुछ बड़ा सोचने का? उसको अधिकार नहीं है? ठीक है सर, हम तफ्तीश के बाद आपको बताते हैं, आप चलिए आइए। एक मिनट करिश्मा सिंह आप समझ नहीं रही है, कहे कि जो ऑफिस है ना, ये हमारा थाना क्षेत्र में पड़ता है, और ये जो सारा मामला है ना, उस पर नजर रखने के लिए इन्होंने हमको जो है वो बुलाया है, और हम SHO बुलबुल पांडे, हम हमारे हिसाब से जो है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आपको हमारा एरिया का केस का जो है लोड लेने का बिल्कुल है जरूरत नहीं, हम है ना। अरे लेकिन कहा है कि इस मामले में तो इनका वो लाडला बिल्लू चोर जो है इन्वॉल्व है, तो आपको तो इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जांच पड़ताल करना होगा, पूछताछ करना होगा। करिए, बेशक करिए, लेकिन हमको जो है सरकारी आदेश ला के दे दीजिए, उसके बाद बेशक इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कौन रोकेगा आपको? हमें पता है कि आप कर लेंगी, चले जाइए। चलो जीते हम। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बाहर और क्या हो रहा है बता? अबे झापड़ी के बाहर क्या चल रहा है, कैसे पता करे, कैसे पता करे? आइडिया। अबे बाहर अपना दोस्त इकबाल है, उसको फोन करके पूछते ना, टेंशन नहीं लेने का, बाहर क्या चल रहा है सब आंखों देखा बताएगा वो। पहली बार कमाल का काम किया है। अबे इकबाल बाहर क्या चल रहा है बता, जल्दी जल्दी बता। प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम छानबीन कर रहे हैं। अगर बिल्लू मुजरिम है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, वो भी कानूनन। तो प्लीज ये बंद कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। अबे बिल्लू हवाले करो, बिल्लू को बाहर निकालो। मुबारक हो, पुतला सब जल गया है, नीचे ऊपर सब बच गया है। अबे बिल्ले मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक है। तेरा पुतला है ना वो जला है, कमर के नीचे सांप जल चुका, ऊपर कमर के ऊपर सांप ठीक ठाक है, बोले एकदम छागास। अरे पागल क्या कर रहा है? अरे वो पुतला है इसीलिए आधा जला है, मैं उनके हाथ लगता तो मुझे पूरा जला देते, भून देते, और तुम दोनों हरी चटनी के साथ मुझे चाट लिए होते। पागल मनुष, आगे देख, थानो क्षेत्र में क्या हो रहा है मुझे बताओ। बिल्कुल बाहर निकालो, बाहर निकालो। पुष्पा जी, 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 प्लीज। अरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं मैडम, हम डरने वाले नहीं हैं। होगा, इस वीडियो को फायदा होगा, क्योंकि ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि आप लोग प्रोटेस्ट करने के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं। हमारी एक टीम मेंबर को जख्मी कर दिया है और आप लोगों को इस बात की शर्म भी नहीं आती, इसलिए बिल्लू चंपत जेल जाए उससे पहले आप सब जेल जाएंगे। हम डरने वाले नहीं है और ना यहाँ से हटेंगे, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। सबसे पहले तो आप ही जाएंगे जेल, क्योंकि आप ही इन सबको बहला फुसला कर लाए थे। अरे कोई पुष्पा जी अब ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हाँ। नहीं मैडम सर, जरूरत नहीं, इतना गहरा घाव नहीं है। पुष्पा जी देखिए, फिर भी सेफ्टी के लिए आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, घर पे आराम करिए, जब आपको लगे कि आप ठीक हो गई हैं तब ड्यूटी रिज्यूम कीजिएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ मैडम सर, चलिए। मटन बिरयानी खाएंगी? सॉरी वेज वेज। जी करिश्मा सिंह जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। यहाँ पे तो बहुत ही घोटाला चल रहा है, बिल्लू की जगह कोई और मालिक खड़ा हो गया, ये कंपनी किसी और के नाम पे चल रही है।
मैडम सर, क्या हुआ मैडम? कुछ आवाजें नहीं आ रही है। हेलो, हाँ 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 हाँ, हम सुन रहे करिश्मा सिंह। देखिए, एक बात बतानी है आपको। दरअसल यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ में से किसी ने पत्थर फेंका जो पुष्पा जी को लग गया। ज्यादा लगा क्या उनको? डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। हमने इकबाल को भेजा है साथ में, वो पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर वहाँ से सीधा घर। और हमने पुष्पा जी से कहा है कि आप कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, घर पे उनका ध्यान रखिएगा। और अब फिलहाल हमें ये सोचना है कि नील के काले धंधे को कैसे रोकेंगे, कैसे एक्सपोज करेंगे इसके पीछे के असली मुजरिम को। एक तरीका है मैडम सर। मैडम, थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, हमको नहीं लग रहा हमसे हो पाएगा ही। तुमको क्या करना है, पढ़ के बोलना है, उतना तो कोई भी बोल सकता है, तुम आराम से बोल लोगे। और आवाज बदल के एक बात करना। हेलो हेलो, मिस लिली स्पीकिंग। स्पीकिंग, हु इज दैट? हाय मिस लिली जी, माय सेल्फ जुगाड़ू, आई एम असिस्टेंट ऑफ मिस पेलानी। मालपानी, आई एम सेक्रेटरी ऑफ मिस मालपानी। आई होप आपने नाम तो सुना ही होगा, हमारी कंपनी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर और फाइनेंशियल कंपनी है। तो हमारे जो बॉस हैं वो आपकी कंपनी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपकी कंपनी में फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नो, रॉन्ग नंबर। भाई, नंबर तो बिल्कुल राइट है और बजट भी बिल्कुल टाइट है, 1 करोड़ रुपया। क्या? हमारे बॉस और उनकी वाइफ जो है वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, इसे आप ऑफिशियल विजिट समझ सकती हैं। एक बार अगर आपका बिजनेस मॉडल हमारे बॉस को पसंद आ गया तो 10-15 करोड़ रुपए यूं ही हाथ में ऐसे ही ले लीजिएगा आप इन्वेस्टमेंट के लिए। सर, कब आएंगे आपके बॉस? मैं अपने बॉस से मीटिंग फिक्स करके आपको बताता हूँ, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर। उठाओ, बहुत बड़ी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। फोन चल रहा है, देखिए बंद हो गया। बाप रे, जैकपॉट जी, जैकपॉट, 1 करोड़। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, 1 करोड़। लेकिन अगर बिजनेस जम गया तो फिर करोड़ नहीं, करोड़ों। वो तो ठीक है जी, पर हम प्रॉफिट में क्या देंगे इन्वेस्टर्स को? अरे तुमको देंगे हम झुन 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 झुना, बजाते रहो झुन 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 झुन। मैडम घूंघट, घूंघट मैडम, घूंघट। जी कौन चाहिए? अरे ये पूछो के चाहिए, रोगड़ो चाहिए, रोगड़ो। प्रॉफिट समझो को नहीं, रोगड़ो लगा के रोगड़ो बनाना है जी। मैं मालपानी। अच्छा मालपानी जी, जो हमारी बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले, वही ना? मैं जी इन्वेस्टर मालपानी और ये हमारी बीननी मर्दी। राम राम साहब। बड़ी लकी है, मैं अपनी जिंदगी में बता दूं कोई भी नया काम इसके बगैर करूं गोड़ी, यो मारे लिए बड़ी लकी। बड़ी लकी, बड़ी लकी। नजर उतारने का टाइम हो गया से। हाँ नजर। हाँ जी जी, उतारिए उतारिए। बाप रे, आप हमारे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना? अगर थारो बिजनेस हमें अच्छा प्रॉफिट देवे है तो? अगर वो तो होना ही है ना, हमारे बिजनेस में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जीरो रिस्क और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है पूरा। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। कैसे? वो क्या है कि हमको मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का खाना बनाने का पैसा,
ऐसा नहीं कि हम खाना बेहतरीन क्वालिटी का नहीं बनाते हैं, खाना तो हम बेहतरीन क्वालिटी का ही बनाते हैं, लेकिन वो सरकारी गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील टाइप का खाना वो नहीं, वो खाना जो बड़े बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में हम देते हैं, क्योंकि उससे वहाँ पर मोटी कमाई जो हमारी होती है कि नहीं। इधर सरकारी स्कूल के सरकारी पैसे पर भी हाथ अपना होता है, और उधर से बड़े बड़े होटलों की कमाई भी मेरे हाथों में ही होती है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होते जिसे सीघी के हों।